हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट को, इसमें पर हम विजिट कर रहे हैं। आज डेट है 25 मई 2023। तो आइए फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं। पब्लिक सर्कुलर वाली इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना होता है किसी भी अपडेट को चेक करने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, पब्लिक सर्कुलर में यहाँ पर ये कई सारी अपडेट जारी की गई हैं डीओई के द्वारा। और इसमें आप देखेंगे मेमोरेंडम जारी किए गए हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड किया गया है, कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो आप ये देख सकते हैं, मेमोरेंडम जारी किए गए टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की पोस्ट के लिए। पोस्ट कोड है 40/21/68। मेमोरेंडम जारी किए गए हैं डीओई के द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नोटिस आप जो देख रहे हैं, विनीत डबास टीजीटी सोशल साइंस पोस्ट कोड 39/21। यहाँ तक ये सारी अपडेट कल से आम की ये हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। बाकी जो अपडेट आज की डेट में जारी की गई है डीओई के द्वारा, आइए हम एक बार इसको डिटेल में चेक कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं 25 मई 2023 की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं टीजीटी पंजाबी मेल की पोस्ट के लिए, और एम्प्लॉय का नेम ये बता दिया गया है, पोस्ट आपकी टीजीटी पंजाबी, डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन की गई है, कैटेगरी है एससी, और आपकी जहां पोस्टिंग हुई है ये पोस्टिंग प्लेस आपका बता दिया गया है मालवीय नगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा कब क्या रिपोर्ट करनी है। आइए नेक्स्ट अपडेट को हम चेक कर लेते हैं। और ये भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर है फ्रेंड्स, ये टीजीटी हिंदी मेल के रिगार्डिंग बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 25/5/2023 की। और फ्रेंड्स, ये सिलेक्शन का प्रोसीजर तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हम जो भी अपडेट आपको बताते हैं उसमें ये सारी चीजें हमने पहले ही क्लियर की हुई है। देखिए, जो अब अपॉइंटमेंट ली जा रही है कैंडिडेट की, इसमें आपको 2 मंथ का यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन का टाइम दिया जाता है। और अगर आप इस 2 मंथ में भी अनफिट पाए जाते हैं तो फिर आपको 1 मंथ यहाँ मोर एक्सटेंड करके दे दिया जाता है ताकि आप मेडिकली फिट हो सकें। और फिर भी अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो फिर आपको यहाँ प्रोविजनली सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर मेडिकली आप फिट पाए जाते हैं तो फिर प्रोविजनली आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक चीज यहाँ पर क्लियर की हुई है इन्होंने। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, आपको डायरेक्टेड किया गया रिपोर्ट करने के लिए, जो लेटेस्ट डेट आपकी 25 जून 2023 दी गई है। ओके, तो आप इस डेट का ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉय नेम आपका ये बता दिया गया है, पोस्ट आपकी टीजीटी हिंदी, डेट ऑफ बर्थ आपकी कैटेगरी है जनरल, और पोस्टिंग प्लेस आपका ये दयालपुर दे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट अपडेट को हम देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंशन के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है टीजीटी इंग्लिश फीमेल की पोस्ट के लिए। कैंडिडेट का नेम मेंशन किया गया है, आपकी पोस्ट बता दी गई है, 30 डेज का आपको एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि 9 जून आपकी यहाँ ज्वाइनिंग डेट कर दी गई है लेटेस्ट। और इस दौरान अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोसीजर यहाँ पर आगे बढ़ा दी जाएगी, अदरवाइज जो आपका कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो एक्सटेंशन के ऑर्डर है इंडिविजुअली जारी किए गए हैं फ्रेंड्स, पोस्ट के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कब तक का समय आपको दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट नोटिस को अब हम चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, बड़ी ही खुशी की खबर है, मेमोरेंडम जारी किए गए हैं टीजीटी सोशल साइंस फीमेल, पोस्ट कोड है 40/21। काफी कैंडिडेट थे जिनको कि अपने मेमोरेंडम्स का बेसब्री से इंतजार था, तो फ्रेंड्स आप लोगों का वेट अब खत्म हो चुका है। मेमोरेंडम आपके यहाँ पर 68 जारी किए गए हैं, तो इनको स्क्रॉल करके इंडिविजुअली आप जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपके रिगार्डिंग भी अपडेट जारी की गई हो। और फ्रेंड्स देखिए, हम आपको बता देते हैं, वैसे तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस करते हुए चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, फिर भी मेन चीजें हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, कैंडिडेट का नेम आपका यहाँ बता दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ बता दी गई, रोल नंबर आपका, आपकी पोस्ट, पे स्केल, ग्रेड पे सब बता दिया गया है, टर्म और कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी है यहाँ पर ये सीक्वेंस में आप इनको जरूर चेक कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप देख सकते हैं, 14 नंबर कॉलम है सेल्फ डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। और 19 नंबर कॉलम में आपका वेन्यू दिया गया है, जिस जगह पर, जिस डेट को, जिस समय पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा वो ये दे दी गई है। देखिए, मल्टीपर्पज हॉल गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय लांसर रोड तिमारपुर बिहाइंड विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली, ये आपका डीवी का जो प्लेस बताया गया है वो दे दिया गया है। और 30 मई 2023 आपकी डीवी की डेट दी गई है, 10:30 AM आपका समय दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेकर जानी है, जिस
जिसमें कि 4 करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ डिक्लेरेशन और जो भी आपने ई रोजियर पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं वो सभी आपके ओरिजिनल, प्लस फोटोकॉपीज का सेट आपको लेकर जाना है। फोटोकॉपीज दोनों साइड से आपको करनी है अच्छे से स्कैन करके और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। एनसीटी का सर्टिफिकेट आपका मोस्ट रिक्वायर्ड रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे एनसीटी दिल्ली द्वारका, इसका ऑफिस है वहां से बाय हैंड कलेक्ट कर सकते हैं या फिर एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन भी से आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाता है। एनसील आपका रिक्वायर तभी होता है अगर आपने ओबीसी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ है दिल्ली से। और फ्रेंड्स इसके अलावा आप देख सकते हैं ये 7 अंडरटेकिंग्स हैं जो कि आपको सबमिट करनी है और ये आपकी वेबसाइट बता दी गई है यहाँ पर edudel.nic.in, इसी को विजिट करना है, इसी को हम इस मैप पर विजिट कर रहे हैं। तो सारी अपडेट आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। और फ्रेंड्स ये मेमोरेंडम स्क्रॉल करके जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट हो। तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट थी वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और फ्रेंड्स ये बाकी की जो अपडेट है ये हमने कल चैनल पर आपको अवेलेबल करा दी थी, वीडियोस आप चेक कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी अपडेट मिस हो गई है तो, अदरवाइज आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके इनको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।